गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा डे थ्री। कल शाम को पहुंचे थे हम पहलगाम और ये हमारा जो टैक्सी स्टैंड है यही है और हमने रुका था यही वाले होटल में। यहाँ से व्यू देखिए, पूरा माउंटेन व्यू, ऊपर हल्का हल्का स्नो है माउंटेन में। तो अभी हम हॉर्स राइड करके, पोनी राइड करके जाने वाले हैं वैली देखने, कश्मीर वैली। और दो तीन था ना, दो वैली था, तो दो तीन जगह पहुँचते हैं वहाँ, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो बने रहिए वीडियो में। डर लग रहा है? आज बैठेंगे घोड़े पे। और बताओ, सब ठीक है? लेकिन आपने सस्ता नहीं करवाया भैया, 1850 ले लिया आपने। एक ही नंबर किया ना। हाँ, मैं पहली बार जा रहा हूँ। पूरा किया था आपने। अब तीन जगह जाओगे उसमें क्या थोड़ा ही कम, तो आपको 1800 डिस्काउंट देना चाहिए ना। उसमें डिस्काउंट नहीं, वो गवर्नमेंट रेट है 1850 तीन जगह। कोई बात नहीं, उतने काफ़ी, एक्सपीरियंस लेना है बस। नहीं, चलिए चलो अभी हम देखेंगे कैसे बैठते हैं। हाइट से वो करो, हम लेगा तू बैठाओ। कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ। पकड़ो, ये पकड़ते रहना ऐसे। इसका लाइट हो गया भैया। कोई नहीं, नहीं नहीं, चल रहा है ये देखो। ना ना, ये बैठ गई घोड़े पे। कैसा मजा आ रहा है? सीधा बैठते रहो उसमें आ गया। इंटरव्यू ये ले लिया ना, इंटरव्यू, ये पैसा कम नहीं क्या? बस घोड़े पे बैठ के सीधा रहो, बस बैलेंस मिलाते रहो। हाँ, ये देखो रास्ता है यहाँ का, बहुत ही खतरनाक। हंसी नहीं आएगा तुमको, किसने हंसने के लिए बोला? इधर मोड़ो मोड़ो मोड़ो। हाँ, ये देखो अभी कहाँ, कश्मीर वैली जाएंगे पहले। हाँ, दबियन, तो हम पहले पहुँचेंगे दबियन। दोस्तों हमें ये तीन जगह लेके जाएंगे, तीन जगह का चार्जेस लिया है 1850, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटेड था रेट, तो इसमें क्या है हम बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से और बार्गेनिंग करने से कर सकते हैं, तो आप आके पक्का बार्गेनिंग कर लेना, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटेड रेट था तो हमने नहीं किया बार्गेनिंग। 1850 तीन जगह का, तो इसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, और एक जगह इंक्लूड कर देंगे उतने पैसे में, या तो आप थोड़ा और पैसे देके और दो तीन जगह ऐड कर सकते हैं। बताओ उसको कान में किधर जाना है। दोस्तों मज़ा आ रहा है बिल्कुल, रास्ता भी काफ़ी बढ़िया है। देखो आप पूरा सीनरी का मज़ा लेते हुए जा सकते हो इधर। अगर सोच रहे कि आप ट्रैकिंग करके आओगे तो रास्ता बहुत ख़राब है, कीचड़ कीचड़ है, तो आप नहीं आ पाओगे, इसमें पोनी राइड ही करना पड़ेगा आपको। हाँ भैया, ये पूरा स्नो से भर जाता है ना, उस टाइम कैसे जाते हैं इधर? घोड़ा से ही? अच्छा, तो जैसे स्नोफॉल होता है तब भी घोड़े से ही जाते हैं इधर से, तब तो काफ़ी मज़ा आता होगा इधर सीनरी। अब देखेंगे ना किधर से घोड़ा चलेगा। हाँ, देखते हैं किधर से चलता है। ये देखिए, इधर से पूरा नहर है ना, ये नहर है, पूरा पानी आता है यहाँ से समर सीजन में। तो यहाँ नॉर्मली चलना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि पत्थर पत्थर है पूरा रास्ता। अभी मैडम को भी मजा आ रहा है, थोड़ा टाइम लग गया। हाँ गाना गा लो, नहीं डरेगा भैया से पूछ लो। हाँ भैया गाना गा सकती है क्या, बोल रहे हाँ गाओ 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 जल्दी। तुमको अलग ले जाएगा ये, एक बार गाना गाओ ना। येलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके साजना हो ओ हो 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 हो, मुझे तो इतना ही पता है। तो ये पहला पॉइंट आ गया दबियन। तो अभी मजा आ रहा है ना, थोड़ा बैठ के ट्राई कर रही हूँ। आ गए हम दबियन, तो अभी और आगे चलेंगे क्या? हाँ कश्मीर वैली आएगा। हाँ ठीक है, इसके बाद आएगा कश्मीर वैली। तो ये पूरा सफर तीन जगह के लिए टाइम लगेंगे, करीब करीब डेढ़ घंटा बताया आने आने के लिए। बाकी आप कहीं पे जो उतर के फोटोग्राफी वगैरह करते हो तो वो अपना टाइम है, बाकी आने जाने के लिए करीब करीब डेढ़ घंटा चाहिए इसके लिए। तो ये एक एक्सपीरियंस है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ के पहलगाम में। इसके बाद हम जाएंगे जो और भी वैली है, आड़ू वैली हो गया और दो वैली है, वो हम यहाँ से गाड़ी हायर करना पड़ेगा। उसका चार्जेस बता रहे हैं मतलब 2000 से ऊपर ही होगा, 2200-2500 ऐसे लेंगे। तीन जगह सारा जितना भी जगह है वो दिखा देंगे। बहुत ही खतरनाक है लेकिन बेचारा, ये देखिए यहाँ पर मतलब पाओ थोड़ा अपना। ये देखिए रास्ता बहुत ही खराब है रास्ता, बहुत ही रास्ता खराब और भयंकर रास्ता। देखिए कितना भयंकर, बहुत ही खतरनाक। थोड़ी तो क्लोज कर ही रखा, पाओ थोड़ा हाँ नहीं तो साइड में लग जाएगा। हाथ मत छोड़ो, बहुत ही एकदम से स्टीफ है रास्ता, तो भयंकर है। पाँव थोड़ा क्लोज रखना पड़ेगा नहीं तो साइड में लग जाएगा। पाँव एकदम घोड़े के साथ लपेट के रखो। ये देखिए मैंने लपेट के रखा है पूरा। ये रास्ता ही ऐसे है भयंकर थोड़ा। कश्मीर वैली आ गया। अच्छा यही कश्मीर वैली है। हाँ अच्छा जर पीछे देखो, ये है दोस्तों गांव सही लगता है ना। देखो वो गांव कहाँ है, वो हो गया कश्मीर। ये देखो सामने, ये देखिए वो नीचे है कश्मीर वैली पूरा। ऊपर देखिए माउंटेन, देखिए पूरा व्यू बहुत ही बढ़िया। ये हम लोग आ गए ऊपर, अभी और एक पॉइंट है आगे, वहाँ तक जाएंगे हम लोग। ये देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ से। पहले घोड़े का ध्यान रखना पड़ता है। जो है थोड़ा डिफेक्ट हो गया, पीछे खिसक गया। मैंने स्विट्जरलैंड नहीं देखना है क्या? स्विट्जरलैंड में तुमको मैं सस्ते में स्विट्जरलैंड ले जा रहा हूँ। दोस्तों 1850 रुपए में हम पहुँचने वाले हैं स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड, असली का स्विट्जरलैंड नहीं, मिनी वाला। ये मिनी स्विट्जरलैंड आने में तो
ओए बल्ले बल्ले ओए चावा ओए बल्ले बल्ले अरे मैं बहुत बचपन में फेस चराया हूँ। ट्रेनिंग नहीं, मैं बचपन मेरा बचपन फेस चरा दे में ही गया। फेस चरा चरा के मैं देखेगा ये देखो ये मेरा बचपन ऐसे ही गया है फेस चरा चरा के। ये देखिए ये तो मामूली बात है मेरे लिए, इसको तो मैं भगावा ही सकता हूँ। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं मिनी स्विट्जरलैंड। ये देखिए मेरे सामने मिनी स्विट्जरलैंड। तो हम पहुँच गए बाइसरन, ये रहा, इसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। तो अभी हम अंदर जा कर हैं, थोड़ा सा पैसा लेके आइएगा यहाँ आने से। यहाँ पे शॉप वॉप भी है खाने पीने के लिए और इधर टिकट भी लगता है। कहाँ टिकट भाई? तो कहाँ लेना आपको? अच्छा 60 रुपीस, मतलब 30 रुपये पर है। तो ये एंट्री करके यहाँ पे मैगी पॉइंट है, आप मैगी वैगी का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। और ये नज़ारा देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में आके कैसा लग रहा है ये बताओ। आपको आपके चैनल में? अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल में आके आपको कैसा फील हो रहा है? मैं जो आपके चैनल में आऊंगी, आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। तो ये आपकी खुशकिस्मती है ना कि मैं आ गई आपके चैनल। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा था जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन मुझे लाना पड़ा। तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी मेरे यूट्यूब चैनल में आके? ऐसा फील हो रहा है, बताइए। क्या ही बताऊं अभी मैं? जनता को बताइए। हाँ। जनता जानना चाहती है, जनता आपसे जवाब चाहती है। मैं तो कैमरा के सामने थोड़ी बहुत शाई हूँ। हाँ। तो जितना हो सकता है बोल रही हूँ। हाँ। मालूम नहीं अभी क्या ही बोल रही हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये मिनी स्विट्जरलैंड का विजिट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे आइए, मैगी वैगी खाइए और थोड़ा फोटो वोटो खिंचवा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी वो ड्रेस वगैरह पहन के ये हर जगह पे हैं। तो लेकिन है खूबसूरत बहुत, जो एरिया है ना पूरा एकदम खुला मैदान है यहाँ पे, और चारों ओर पहाड़ बर्फीला पहाड़, काफ़ी बढ़िया। मेरे ख्याल से ये स्नो इवेंट्स वगैरह यहाँ पे होता होगा, जैसे बर्फ़ गिरना शुरू होता है उस टाइम यहाँ पे स्नो इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, एक रोप वे बना हुआ है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बस। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इवेंट की ओर, नेक्स्ट जगह की ओर। गाड़ी भी करना है हमें अभी नीचे जाके, तो मिलते हैं वहीं पे। दोस्तों ये देखिए, हम लोग जब आए थे बिल्कुल खाली खाली था, अभी पूरा भर चुका है यहाँ पे। और जितना टाइम होगा यहाँ पे उतना ही यहाँ पे भीड़ लगेंगे। तो हम चलते हैं अभी दोबारा वापस। येल्लो जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके, तेरे 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 तेरे। बच्चे लेके भी आए, ये देखिए लोग कैसे। हाँ हाँ पीछे कर रहा हूँ, ये देखिए लोग बच्चे लेके भी आ रहे। हाँ पीछे चला जाएगा नहीं तो मुझे लेके। ये इसमें ट्रिक्स है दोस्तों, जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो आगे की तरफ झुकना है, और जैसे नीचे जाओगे तो आपको झुकना है पीछे, और अपना जो प्रेशर है वो पाँव में रखना है ना? सही बोला ना मैंने? ये देखिए दोस्तों कितना घोड़ा यहाँ पे है। तो दिन में कितने लोग जाते होंगे ऊपर, ये देखिए हजारों है यहाँ पे घोड़े। तो हमने पोनी राइड कर लिया, कश्मीर वैली, मिनी स्विट्जरलैंड सब देख लिया। तो अभी हम चेकआउट करते हैं। बच्चों का 11 कितने बजे निकले थे? 9:30
सा 9 बजे निकले थे, लगभग 9:10-11, दो घंटा ही लगा, 2 घंटा 1.5 घंटा बोला था, तो आधा घंटा वहाँ पे ऊपर हमने टाइम स्पेंड किया। और अभी अभी होटल से चेकआउट करते हैं, सामान गाड़ी पे रखेंगे, फिर यहाँ से दूसरा गाड़ी करके हमें जाना पड़ेगा आड़ू वैली ये सब घूमने के लिए। तो जल्दी से जल्दी गाड़ी बुक करते हैं और आपको गाड़ी का प्राइस बताता हूँ। होटल का हमारा था 2000, तो मिलते हैं गाड़ी बुक करने के बाद। दोस्तों अभी आ गए हम होटल पे पोनी राइड करके, सब कुछ बढ़िया था लेकिन रास्ता बहुत ही डेंजरफुल है, तो आपको फील होगा कि डेंजरस है वाकई में। और आने के टाइम में और ज़्यादा आपको पूरा स्टेडी होके रहना पड़ता है प्रेशर देके पाँव में, तो अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन घोड़ा अच्छा से चलाना आ गया मुझे। वेलकम, बढ़िया है, वो सिटी भी बढ़िया है। हाँ, तो ये हमारे भैया लोग होटल के अच्छा। अभी तो निकले, कैसा लगा पहुंच? बढ़िया बढ़िया, अभी तो और देखना है हमें। कैसा लग गया आपको? होटल सब बढ़िया है, ये होटल बढ़िया, एक चीज ये बढ़िया है कि यहाँ से आप देखो पूरा यहाँ का व्यू, यहाँ का व्यू देखिए, रिवर का पूरा रिवर व्यू, टैक्सी स्टैंड यहीं पे नजदीक, तो बढ़िया होटल है। तो दोस्तों हमने ये तवेरा बुक कर लिया है, इसी गाड़ी से हम निकलेंगे अभी। ये हमारे भाई साहब जो हमारे साथ है, 4 दिन रहेंगे पूरा। तो आपको जो गाड़ी चाहिए उसी हिसाब से रेट देना पड़ेगा। तवेरा का है 2400 रुपये, 2400 रुपये। और बाकी और क्या क्या गाड़ी देख रहा है, इथियोस, इथियोस का 2350 था ना, क्या 2200 से स्टार्ट होता है ना आप लोगों का गाड़ी? हाँ जी, अलग अलग रेट है। हाँ भाई, तो 2200 से स्टार्ट है। ओके, तो मेरे ख्याल से 2200 रुपये से स्टार्ट है, छोटा गाड़ी लोगे तो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। तो 3 घंटे का सफ़र होगा ये टोटल, 3 घंटे में जाना आना, बाकी आप अगर जितना देर रुकोगे उतना आपको टाइम लगेगा। तो हम आ गए अभी बेटा पहली, तो ये पहलगाम सिटी से मुश्किल से 5 किलोमीटर है, तो ये जगह आप जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको घोड़े से जाना पड़ेगा, बजरंगी भाईजान, वहाँ शूटिंग हुआ था बजरंगी भाईजान का। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो हम आ गए बेटा फैली के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है वो घोड़े वाले ये सब है ना जोक की तरह आपके आपसे चिपक जाएंगे, तो इनसे आप थोड़ा सावधान रहिए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने एक जगह घोड़े का सवारी कर लिया, अभी ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर है ना। काफ़ी सुंदर जगह है ये, भेज देता हूँ। दोस्तों बाकी में ये बहुत ही सुंदर जगह झील है, इसमें जगह काफ़ी बढ़िया है, देखिए झील एकदम साफ पानी। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर है ये जगह, चारों ओर पहाड़, बर्फीला पहाड़, और बीच में ये वैली, ये देखिए। ये देखिए पानी कितना सुंदर है, एकदम साफ, यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, लेकिन अभी पानी काफ़ी ठंडा होगा क्योंकि ऊपर पहाड़ से आ रहा होगा पानी,
बर्फ़ है वो पिघलते हुए, तो काफ़ी ठंडा होगा ये पानी। यहाँ से जो है मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से जो वो रोड जा रही है उधर ऊपर की तरफ, ये शायद पहाड़ी के ऊपर जाते होंगे घोड़ा लेके, उधर रोड बना हुआ है। तो आप अगर पोनी राइड करते हैं तो उसी रास्ते से ये देखिए, उधर से आप देख पा रहे हैं घोड़ा लेके ऊपर से आ रहे हैं लोग। तो हमारे ड्राइवर साहब जो है उन्होंने बोला था कि घोड़े वाले आपको अगर स्नो का फील लेना है ऊपर वहाँ पे, तो घोड़े लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग उल्टा सीधा चार्जेस करेंगे आपसे, तो आप थोड़ा बार्गेन कीजिए सस्ता, फिर आप थोड़े सस्ते में जा सकते हैं वहाँ अगर आपको स्नो देखना है ऊपर। ये यही बेटा वैली के अंदर बच्चों के लिए एम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी तरह के मीना बाज़ार लगे हुए हैं, ये देखिए उधर आगे भी है, ये देखिए उधर आगे बोट वो चलने वाला है अभी, ये और इधर भी है, ये देखिए ये खासकर बच्चों के लिए है। ट्रेन भी चल रहा है देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, ऐसे भी फोटो खिंचाते हैं लोग। हेलो, क्या नाम है आपका? स्वीति। और आपकी बहन का? श्रियान। श्रियान भाई है? हाँ। बहुत अच्छा है। ये आपका गाड़ी है? नहीं, ये लोगों का है। अच्छा, ये लोगों का है। आप ऊपर चल गए पहाड़ी में? नहीं गए? चलो बाय बाय। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी। नहीं हो गया, यहाँ पे खास अच्छा है ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आराम से यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम उनके लिए। रील्स वगैरह बना सकते हैं, मज़ेदार जगह है, नाच बज सकते हैं। और ठीक है, अभी हम निकलते हैं बाहर, और पता नहीं अभी चंदनवाड़ी ही जाएगा शायद। नहीं, चंदनवाड़ी तो उधर आगे जाना पड़ेगा पहाड़ की तरफ। चलिए आगे मिलते हैं जाके। अमरनाथ जी यात्रा होता है ये बेस कैंप। दोस्तों हम पहुंच गए चंदनवाड़ी, तो यहाँ हल्का हल्का ठंड है क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे है। ये देखिए चारों ओर पहाड़, आ जाओ। तो दोस्तों हमें अभी चंदनवाड़ी में, ये मेरे पीछे देख सकते हैं झील। तो चंदनवाड़ी में वैसे आपको दिखेगा कुछ नहीं, यहाँ पे ये झील ही है ऊपर से, तो ये झील आ रहा है, और बाकी छोटा मोटा कोई दुकान वुकान है यहाँ पे बाकी। और ऊपर थोड़ा चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ से ऊपर से पानी बहता हुआ झील से, ये देखिए पानी। यहाँ पे एप्पल जूस वगैरह पी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एप्पल तो वहाँ पे, एप्पल वैली जो है वहीं पे आप एप्पल जूस वगैरह ट्राई कीजिए, सस्ता भी मिलेगा और प्लस ओरिजिनल प्योर बागान से। यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि कोई साधन नहीं है यहाँ से। अब देखिए मवाल टॉप तक 14 किलोमीटर और होली के 32 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों ये आधा पॉइंट पे आ गए हम लोग, यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। और देखो एक वुडन ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे।
अभी नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ से आरू वैली, जो हमारा लास्ट यहाँ का विजिट पॉइंट होगा। उसके बाद हम वापस चल देंगे श्रीनगर के लिए। तो यहाँ से जल्दी कल्टी मारते हैं, ठीक है? ये तो ख़त्म हो गया ख़त्म सिंह, वो ग्लूकोन डी की ज़रूरत है। एक दिन में इतना सारा एक्टिविटी नहीं कर सकते। जाओ खुश, जा पैसा भी रखो बेटी, कोई मस्ता नहीं, जाओ। क्या बात है, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो? नहीं पता। हाँ, ये मेरे बाई साइड में नीचे यहाँ झील है एक, और उसके पार में कौन सा कमरा है वो जिसमें बंद था? वो सामने सामने है। तो इधर भाई साहब बता रहे हैं कि इधर जो कमरा है नीचे, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से, वही नीचे कमरा है। अच्छा, इधर एक कमरा है, वो रहा इधर, वही चाबी गुम हो गया था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए, चाबी खो जाए, ऐसा कुछ था। तो वही शूटिंग हुआ था, ये रहा इधर नीचे, ये वाला बड़ा वाला होगा, रिजॉर्ट है क्या ये? ये नीचे रिजॉर्ट है, वहीं पे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ये वाला गाना हुआ था वहाँ पे, ठीक है? ये हम अभी जा रहे हैं आड़ू वैली, ये ऑन द वे टू आड़ू वैली आएगा। काफ़ी सुंदर है ये भी जगह। दोस्तों, ये बेताब वैली और चंदनवाड़ी जो था वो एक ही रास्ते पे पड़ता है, और ये कंप्लीट ऑपोजिट साइड में। तो जो पहलगाम सिटी है वहाँ से 14 किलोमीटर करीब है चंदनवाड़ी, और यहाँ उल्टे साइड में आना पड़ता है। ये करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है ऑपोजिट साइड में। तो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ भी पोनी राइड वगैरह है जो आप करना चाहे तो। और ये बेताब वैली टाइप का ही है, नहीं ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए झील है, और ऐसे गांव टाइप का है लेकिन काफ़ी सुंदर है। देखिए झील साइड साइड में, दोनों साइड में रील्स बनाते हुए, बहुत ही ख़तरनाक रील्स बनेगा दोनों का। ये है पोनी राइड करके आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स है, रिवर पॉइंट, केव, आरू वैली, कूदपत्री, ग्रीन टॉप और लिदर वैली। ये वेट देख लीजिए 3000। यही है यहाँ पे रास्ता, ऐसे मुझे एक ये वेल मेंटेन भी नहीं लगा, ठीक है? बाकी स्नोफॉल जब होता होगा, स्नो से जब हो तब एडवेंचर, स्नो एडवेंचर वगैरह होता होगा शायद यहाँ पे। बाकी मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है यहाँ से। अच्छा जो है बेताब वैली था, बेताब वैली में भी आप ऊपर जा सकते हैं पोनी राइड करके, मुझे वो इससे बेहतर लगा। तो यही था, तीनों वैली हमने देख लिया। आपको क्या लगता है, आरू वैली आना चाहिए? इतना खास नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको, स्किप कर सकते हैं आप लोग, इतना खास नहीं लगा। बाकी स्नोफॉल के टाइम में कुछ होता होगा इवेंट वीवेंट, लेकिन इतना खास नहीं लगा। आप बेताब वैली और चंदनवाड़ी, हाँ चंदनवाड़ी, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, वो दोनों जा सकते हैं दोनों जगह। ये वाला आपके पास टाइम कम है तो स्किप कर सकते हैं, इतना ख़ास है नहीं ये जगह, और इतना मेंटेन भी नहीं है। हम अभी पॉपकॉर्न का मज़े लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी टेस्टी पॉपकॉर्न है। अभी पहलगाम को बाय बाय बोल देते हैं, बारिश भी हो गई, पूरा हमारा पूरा सफ़र हो गया, फिर जैसे सफ़र ख़त्म बारिश हो गई। तो दोस्तों, हम दोबारा पहुंच गए एप्पल गार्डन, यहाँ से हम एप्पल ले लेंगे घर के लिए, खासकर मम्मी के लिए, माँ के लिए। एकदम यहाँ पेड़ से हम प्लक करके ले जाएंगे फ्रेश फ्रेश एप्पल। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रेश खा रहे हैं एकदम से। ये रहा
एकदम जूसी। हाँ ये तो ख़राब है, अच्छा वाला देखते हैं ये। शुक्रिया। एकदम फ्रेश।